अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव की बहुत अहमियत है, क्योंकि ECG में भी स्ट्रेट लाइन का मतलब डेड, यानी इस तरह। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव की बहुत अहमियत है, ऐसा रहा तो जिंदे ही आप बोल के, अगर ऐसा रहा तो आप मर के हैं बोल के। तो अगर ज़िंदगी में गमी आ रही, कुछ तकलीफ़ आ रही, तो ये ज़िंदगी के हिस्से हैं जो अल्लाह की तरफ से तय हो चुके हैं आपके आगे के अच्छाई के लिए। आपको उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जो शुक्र अदा करते हुए आगे बढ़ेंगा, उन्हें जो भी उम्मीद रखेंगे अल्लाह से, इंशाअल्लाह ना उम्मीद नहीं हुएगा। अल्लाह की मदद हर वक्त उसे नाजिल होते रहेंगे। इंशाअल्लाह अभी मेरे बहन आए हुए हैं जिनको हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव था, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने दवा इस्तेमाल करने के बाद पॉजिटिव से वो नेगेटिव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और रिपोर्ट सियांच है, मैं आपको बतलाता हूँ पहले की रिपोर्ट देख सकते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडीज पॉजिटिव। अब आपको मैं पुरानी रिपोर्ट दिखाता हूँ, अब नई रिपोर्ट है ये। हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडीज नॉन रिएक्टिव। पॉजिटिव से अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव हो गया, अल्लाह का फजल करम है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जिसे चाहे शिफा दे सकते, जिसे चाहे बीमार रख सकते, ये जिस्म पे हिकमत तो कर सकते इंसान, लेकिन हुकूमत अल्लाह की है। यानी हिकमत तो कर सकते, सोच समझ के जो इलम अल्लाह ताला देते हैं, वो इलम से हम जितना भी ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन हुकूमत कहाँ से मिलना, अल्लाह की हुकूमत है। हर नस पे अल्लाह की हुकूमत है। यानी तो हमारी मजाल नहीं है, डॉक्टर की मजाल नहीं है कि आपका छोटा सा ज़ख़म भी क्योर कर सके। वो क्योर करना तो भी अल्लाह ताला की मदद होना बेहद ज़रूरी है। तो अल्लाह हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ भी नोट होती। अभी मेरे बहन आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहुत सारे तकलीफ़ों में थे माशाल्लाह, और इनकी भी नीयत देखो आप, उन्होंने डायरी मेंटेन कर रहे मेरे रेमेडीज़ के, और घर पे इलाज कर रहे माशाल्लाह। आइए उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रा ज़ोर से बोलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं? पुदुतूर से। कैसी है तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। क्या इम्प्रूवमेंट, क्या क्या है आपके अंदर? ब्लड इम्प्रूवमेंट हुआ, जॉइंट पेंस भी थोड़ा कम है, पेट में ज्यादा दर्द था वो भी कम है, और एक वो हेपेटाइटिस सी करके था, हमको मालूम ही नहीं था, वो रिपोर्ट है दे गए हमें ने, वो पॉजिटिव है करके। अब जो जाके कल डॉक्टर के पास देखे तो डॉक्टर होके पूछा क्या नहीं लगा, ये रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो ऐसा करके अल्लाह थोड़ा फिर आके फिर हम नेक्स्ट दिन यहाँ पे करे तो नेगेटिव आ गया। डॉक्टर को दिखाए क्या? नहीं दिखाया। अब दिखाओ डॉक्टर को, ना मुँह पे हाथ रख लेते इंशाल्लाह। तो मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह उनको कईयों बीमारियों से शिफा हो गई अल्लाह के फजल करम से। ये शिफा तब भी छोती जब आप अल्लाह से मांगते, ना कि लोगों से, है नी। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हों घर में भी सबका इलाज कर रही कहते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या क्या इलाज कर रहे हैं मेरी बहन आप घर पे? आवाज़ ज़रा ज़ोर से, बीमार नहीं है आप?
सबका इलाज कर रही माशाल्लाह। आजू बाजू में बोल रही माशाल्लाह। थोड़ा ब्लड घाटू हो गया तो लहसुन डाल के वो बना के पी उभर के, नहीं तो मैं तो बना के दे दूँ, आप नहीं बना ले सके तो मैं तो बना के दे दूँ आपको करके बोल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह घर पे ही उन्होंने जो है इलाज कर रहे और पड़ोसियों का भी इलाज कर रहे और जो भी ये मालूमात है अल्हम्दुलिल्लाह मालूमात कर ले रहे और दुनिया को मालूमात करा रहे। इसी उनकी नीयत से अल्लाह ताला उनको शिफा भी अता कर रहे और माशाल्लाह हेपेटाइटिस वायरस सी पॉजिटिव से नेगेटिव आना ये अल्लाह की जो है ऊपर से जो है मदद है अल्हम्दुलिल्लाह। जो उनके जॉइंटों में दर्द था, पेट में दर्द था, कमज़ोरी थी, सारा दूर हो गया अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह। तो आप सभी से दुआ है कि आप सभी लोग जो भी दवा इस्तेमाल करती हैं तो पहले अल्लाह का नाम लो, अल्लाह से मांगो, सूरह फातिहा पढ़ो। अल्लाह से मांगे तो इंशाल्लाह देंगे अल्लाह ताला, है नहीं? अगर आप बिना मांगे भी अल्लाह ताला से दवा का इस्तेमाल कर रही बोले तो तभी अल्लाह ताला शिफा देते। सोचो अल्लाह कितना रहम करते अपने बंदों के ऊपर, है नहीं? तो कभी भी अल्लाह के मदद के अलावा कोई भी काम आप ना लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की मदद बेहद ज़रूरी है हर वक्त, हर सेकेंड, हर मिनट इंशाल्लाह। तो यूज में क्या दिया, पांच बाटला दिया ना क्या मैं आपको? ये बॉटल्स भी है ना, ये बॉटल्स भी है ना, हाँ ये बॉटल में छो शिफा भी इसमें। और कितने के लोग आपको मुझसे मिलना बोलते, आपको मुझसे मिलने की भी ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। कैंपों में रहता ये बॉटल्स, आके पांच बॉटल्स लेकर जाके इस्तेमाल कर सकते, आपके सारे बीमारियां दूर हो जाते इससे इंशाल्लाह। आपके सारे यहाँ तक के HIV पॉजिटिव है सो भी पेशेंट्स आके लेकर जाके इस्तेमाल कर रहे, बोल रहे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर के सारे तकलीफ़ान दूर हो जा रहे, ये तक बोल रहे आके अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो जिनको भी बच्चे से लेके बूढ़ा तक, हाँ मर्द औरत कौन सी भी बीमारी हो उनको, तो उन्हों इंशाल्लाह सुबह और शाम आधा आधा कप खाना खाने से आधा घंटा पहले ये पीते रहेंगे तो इंशाल्लाह इसमें कलौंजी के साथ साथ 100 जड़ी बूटियां हैं जो आपके सारे कमजोरियां को निकाल देते, आपके सारे वीकनेस को दूर कर देते इंशाल्लाह। ये दिमाग को ठंडा करता, आपको सुकून से नींद लाता पहला, दूसरा आपके जिस्म को गर्म करता, खून को पतला करता, खून का दौरान जिससे आपको दर्द वगैरह नहीं होगा इंशाल्लाह, आपके खून के दौरान को जो है सही करता, आपके खून को साफ करता, ठीक है, और आपके ब्लड क्लॉट्स को दूर कर देता, ठीक है, इससे आपका जिस्म गर्म रहता और आपके अंदर इंशाल्लाह बीमारियां नहीं आएंगे। ये तीसरा पेट को नरम करता, पेट को नरम कैसा करता, आपका हाजिमा अच्छा रखता, आपका हाजिमा अच्छा रखता, आपका खान पान अच्छा रहता, आपको मोशन आसानी से होता इंशाल्लाह, इससे भी जो है आपका पेट नरम रहता। तो पेट नरम, दिमाग ठंडा, जिस्म गरम, ये टेक्निक आप समझ गए तो आप कभी बीमार नहीं होंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। और दो चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, एक जबान, दूसरा दिल, ये भी नरम रहना। किसी का तुम्हें दिल तोड़ते हुए कषाया इस्तेमाल करेंगे अच्छे नहीं होते आप, किसी का ख़राब करके, किसी के ऊपर सख्ती बरसा के, किसी के सामने जो है तकब्बुर करके, ऐसे सारे चीज़ों में आप मुब्तला रह के अब मैं पीते ही अच्छा हो जाऊँ, नहीं होता। क्यों बोले तो ध्यान रखना हर एक चीज़ का, क्यों बोले तो बीमारी अल्लाह ताला इसलिए देते कि हम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह की तरफ रुख करें बोल के, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हर महीना 1-5 तारीख का गुलबर्गा, 6 तारीख को बीदर, 8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को कर्नूल, 17 तारीख को मैसूर, 18 तारीख को होसूर, 21 तारीख को मुंबई इंशाल्लाह, फिर 25, 26, 27 को गुलबर्गा, फिर 29 को बीदर, 30 को रायचूर, 31 को कर्नूल। इसी महीना नेक्स्ट महीना कैंप होने की वजह से गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी, शोर गुंबज, रिंग रोड, बीदर में जामिया हाशमिया, दुल्हन दरवाज़ा, चुन्ना भट्टी, और जो है रायचूर में अल सलामा फंक्शन हॉल, कर्नूल में ANR नमस्ते फंक्शन हॉल इंशाल्लाह। 17 तारीख को मैसूर में जो है ओल्ड एज होम, 18 तारीख को होसूर में मिलूँगा बिस्मिल्ला फंक्शन हॉल, 21 तारीख को मुंबई में मुमरा चार मीनार लॉन। मैं कितना बोलते रहे तुम बार बार, फिर मुझे अंदर आकर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ देख रही कब बात नहीं। तो इसी वजह से इंशाल्लाह ये वीडियो को ज़रा शेयर करो आप, ताकि लोगों को पता चले मेरा अपडेट,
और मैं ज़्यादातर रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करता हूँ पेशेंट्स की सेहत को रिलेटेड। तो आप सब लोग इंशाल्लाह जो भी रेमेडीज मैं डाल रहा हूँ और जो भी मेरा मैसेज फेसबुक यूट्यूब से आप तक पहुँच रहा, आप जो है इंशाल्लाह देख के फॉलोअप करो, शेयर करें, नहीं तो भी एटलीस्ट आपके जो भी आसपास रहते उनका इलाज करो, उनको बतलाओ सच्चाई क्या है, हक़ क्या है, अल्लाह की पहचान करो। कभी आप गुमराह नहीं होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की निगाह आप पे पड़ गई तो बेफिक्र रहो, आपकी दुनिया की कोई सी ताकत भी आपको हिला नहीं सकती इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा फ़ोन नंबर 9900 3776 4957 9541 4139 8197041411। अच्छा रैमिंग बोल ऐसा हो रहा है।